ये क्या है दुआ? पापा जी ये गुलाब जामुन है। दुआ आपको पता है ना मुझे मीठी चीजें इतनी पसंद नहीं है। पापा जी ये आपके लिए नहीं है, मामा के लिए है। तो जाओ ना खिला दो उन्हें, वैसे भी उन्हें बहुत पसंद है। पहले इस पे दम तो कर देना। दम कर दूं? हाँ पापा जी, ताकि मामा आपको दुआ के पापा कहा करें। देखो दुआ, इस तरह का कोई दम शाम नहीं होता। देखिए तो सही ना पापा जी, होगा किताबों में। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। क्या बहस हो रही है बाप बेटी में? कुछ भी तो नहीं मामा जी। अरे वाह गुलाब जामुन, दुआ आपके लिए ही लेके आई थी बेगम। बहुत शुक्रिया दुआ, बिस्मिल्लाह। दुआ मिल गया दम। मामा को कर दे। मोहम्मद यार आ जाओ। पापा जी आ रहा हूँ। आज कितने तैयारी कर ली अर्शद पुत्र? जुम्मा दी नमाज अदा करन चले जी माँ जी। मैं भी जा रहा हूँ दादी जी। चलो शुक्र है, तुसी भी आज करने की कर लगे। कुछ खाना पीना जे ते दसो माँ जी। खजूरा ले आई पुत्र। समोसे और कोनों के लिए बेसन मैदा भी ले आना पापा जी। घी और आयल ना भूल जाना जैनब के पापा। की गल है तुसी सारे कितने दुकान ते नहीं पान लगे? पापा जी रमजान आ रहा है ना बरकते लेके। अच्छा माशाल्लाह। मोहम्मद पुत्र तू ना जा, तेन ते बाहर से। नहीं मां जी राती दवाई लिया के दी सी ते पापा ने। नाले मोहम्मद जुम्मा पढ़न थोड़ा चले दादी जी। और चीता चलावा। चलो चलो आ जाओ मोहम्मद यार। अल्लाह हाफिज़ दादी जी। अल्लाह हाफिज़ पुत्र। मोहम्मद अली आपने मेरे साथ झगड़ा किया है ना, देखना मैं अभी अपने पापा को बताती हूँ और वो आपके पापा से बात करेंगे ना, तो फिर देखना आपका इलाज कैसे होता है। पापा जी बात सुने। पापा जी। जी मेरा बेटा क्या बात है? पापा जी मेरे साथ ना मोहम्मद अली ने झगड़ा किया। वो क्यों बेटा? पापा जी हम दोनों खेल रहे थे तो उसको गुस्सा आ गया। चलो मेरा बेटा मैं अभी उसके पापा से बात करता। बात सुने, देखिए हमें इस बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ बेगम मैं बस अभी आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। साजिद भाई मेरी बेटी बता रही थी कि आपके बेटे ने उसके साथ झगड़ा किया और मैं सिर्फ इसलिए आया था कि हमें बच्चों के झगड़े को बड़ों तक लेके नहीं जाना। जरूर इसमें मेरी बेटी की भी गलती होगी और मैं उसकी तरफ से आपसे माजरा। अरे भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे हमसाए हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। चलो मोहम्मद अली सॉरी करो बहन से। अरे नहीं नहीं इस चीज की कोई जरूरत नहीं, मोहम्मद अली भी हमारे बेटे की तरह है। दुआ जी आपी जी। दुआ मुझे प्यास लगी है, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। आपी मैं एबीसी पढ़ रही हूँ। मोहम्मद भाई जाओ आप मेरे लिए पानी लेके आओ। अच्छा आपी जी मैं लेते आता हूँ। दुआ आपने मुझे पानी नहीं ना रख दिया, मैं भी पापा को तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। लगाओ लगाओ मैं भी लगाती हूँ। पापा जी देख ले दुआ मेरी बात नहीं मानती। मामा जी आप भी जब पापा को जैनब के पापा कहते हो ना तो आपी मुझे ऐसे ऐसे करती है। क्यों जैनब बेटा आप क्यों ऐसे ऐसे करते हो? मामा जी आप पापा को दुआ के पापा कहा करो। हाँ ठीक है मैं आज के बाद दुआ के पापा कहा करूँगी। एक दिन मोहम्मद बड़ा उदास था। मैंने पूछा मोहम्मद भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो भाई ने कहा आप जी मुझे भूख लग गई है। भूख लगी है मेरे भाई को? हाँ जी आप जी। भाई आप परेशान ना हो, मैं अभी आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। मैं जल्दी से किचन में गई, कुछ ब्रेड पड़ी हुई थी, फ्रिज से एक अंडा लिया और जल्दी से फ्राई करके ब्रेड में लगाया, थोड़ी सी केचप लगाई और फीडर में दूध डाल के भाई के पास ले गई। भाई ने ब्रेड भी खाई और दूध भी और कहा आप पीजी शुत्रिया। ये क्या है दुआ? पापा जी गुलाब जामुन है। दुआ आपको पता है ना मुझे मीठी चीजें इतनी पसंद नहीं है। पापा जी ये आपके लिए नहीं है, मामा के लिए है। तो जाओ ना खिला दो उन्हें, वैसे भी उन्हें बहुत पसंद है। पहले इस पे दम तो कर देना। दम कर दूं? हाँ पापा जी, ताकि मामा आपको दुआ के पापा कहा करें। देखो दुआ इस तरह का कोई दम शाम नहीं होता। देखिए तो सही ना पापा जी, होगा किताबों में। अच्छा चलो मैं देखता हूँ। क्या बहस हो रही है बाप बेटी में? कुछ भी तो नहीं मामा जी। अरे वाह गुलाब जामुन, दुआ आपके लिए ही लेके आई थी बेगम। बहुत शुक्रिया दुआ, बिस्मिल्लाह। दुआ मिल गया दम। मामा को कर दें।